नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब देश एक है तो समान नागरिक संहिता क्यों नहीं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन को कमजोर करने के लिए भारत को दलाई लामा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पत्थरबाज को जीप पर बांधने के आरोप में सैन्य जवानों के खिलाफ FIR। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास नौशेरा में की गोलीबारी, फिर तोड़ा संघर्ष विराम। प्रधानमंत्री मोदी ने समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीद की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम और वासन हेल्थ केयर को ED का नोटिस। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण अनुचित। कश्मीर के कई हिस्सों में छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प, कक्षाओं का बहिष्कार। कश्मीर में ISI के इशारे पर हुई थी उपचुनाव के दौरान हिंसा। रिश्वत देने के मामले में अन्नाद्रमुक नेता दिनाकरन के खिलाफ केस। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में CRPF कैंप को उड़ाने की नक्सली साजिश नाकाम। राजधानी पटना के बाहरी इलाके से पुलिस ने एक ही परिवार के 3 लोगों के शव बरामद किए। सीरिया में भीषण विस्फोट में 68 बच्चों सहित 126 लोगों की मौत। तुर्की में जनमत संग्रह में इर्दोगन विजयी, विपक्ष ने गड़बड़ी का आरोप लगाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने कहा, अब खोजना होगा जीत का मंत्र। ये थी आज की कुछ खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।